please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर. आप देख रहे हैं पहला सौदा और बाजारों पर नजर रखिए. एशियाई बाजारों में एक मजबूत शुरुआत देखने को मिली है और उसका फायदा भारतीय बाजारों को मिलता हुआ ये देखिए. बस सेंसेक्स करीब करीब 300 पॉइंट की तेजी के साथ अब देखिए खुलता हुआ और निफ्टी भी 10,500 के बेहद करीब खुल रहा है. ये है प्री ओपनिंग ट्रेड. नजर रखिएगा आप SBI पर. यहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है. नंबर बहुत कमज़ोर आए हैं. आज आने वाले हैं कुछ और PSU बैंक्स के नतीजे, उन पर भी नज़र रहेगी. लेकिन SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा ये नंबर्स के ऊपर आज रिएक्शन देंगे. बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ी सी मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है. ONGC, BPCL इनके नंबर्स भी आए हैं. आज कच्चे तेल में ध्यान रखिएगा, जो कमज़ोरी देखने को मिली है उसका फ़ायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, टायर कंपनियां, पेंट कंपनियां, एविएशन कंपनियों को आज फिर से मिलता हुआ दिख सकता है. टाटा स्टील ये एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर होगी. अच्छे नंबर्स के बाद आज यहां पर भी तेजी बन सकती है. ये देखिए 5% की मजबूती. हालांकि ये सब प्री ओपनिंग के ट्रेड्स हैं. 9:07 के आसपास ये सेटल हो जाएंगे. M&M पर भी नजर रहेगी. M&M के नंबर्स भी मजबूत ही आए हैं और एक्सपेक्टेड था. ट्रैक्टर की बिक्री के आंकड़े अच्छे आएंगे. 2.5% मजबूती के साथ ये खुलने की तैयारी कर रहा है. लेकिन कोल इंडिया सर कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इसे? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि चौथी तिमाही में तो नंबर्स अच्छे आएंगे, प्राइस हाइक ले लिया. कोल इंडिया के नंबर्स आपको कैसे लगे और आज आप इसे कैसे अप्रोच करेंगे? वापस 300 के ऊपर जा रहा है. नहीं बिल्कुल, इनफैक्ट नंबर्स डेफिनेटली काफ़ी एनकरेजिंग है. ऑपरेशनली इबिटा फ्रंट पे अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है और हमको लग रहा है कि चौथे क्वार्टर में जो प्राइस हाइक उन्होंने अनाउंस किया था उसका पूरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. प्लस होपफुली मार्केट्स इस बात की भी एक्सपेक्टेशन कर रही है कि अच्छा डिविडेंड वापस फोर्थ क्वार्टर के बाद आए. तो मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस पे डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है. इन द नियर टर्म हमको लग रहा है कि इस प्राइस से भी खरीदा जा सकता है. होपफुली फोर्थ क्वार्टर विल डेफिनेटली बी बेटर देन थर्ड क्वार्टर ऑपरेटिंग मार्जिन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत बॉटम लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इसको डेफिनेटली एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से वन कैन बाय एट द करंट. जो इंटरेस्टिंग रिएक्शन हालांकि दिख रहा है वो है सन टीवी पे, जहां इनफैक्ट हमारे अनुमान से आमदनी और मुनाफा, आमदनी थोड़ी बेहतर लेकिन मुनाफा कमज़ोर नज़र आया था. पर स्टॉक रिएक्शन आप प्री ओपन में अब तक देखें तो 7-8% ऊपर के इस वक्त तो कोट आ रहे हैं. क्या आपको लगता है ये टिकेगा? मुझे लग रहा है कि आई थिंक क्लियरली यू नो रिजल्ट्स तो डेफिनेटली जो हमको मिले थे वो मेरे ख्याल से इतने स्ट्राइकिंग नहीं थे. प्रदीप शायद हो सकता है कि थोड़ी बहुत बिकवाली ऊपरी लेवल्स पे देखने को मिले. आई वुड प्रीफर टू वेट एंड वॉच. बट डेफिनेटली नंबर से ऐसा कुछ मिला नहीं है कि जिससे कोई बड़ी री रेटिंग स्टॉक में यू नो एटलीस्ट फ्रॉम दीज लेवल्स देखने को मिले. M&M ये वो स्टॉक है आप जो लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है. एस्कॉर्ट्स, M&M सब में देखिए तेजी बनी हुई है और ये शेयर करीब 3% मजबूती के साथ आज खुलने की तैयारी कर रहा है. ये बताइए बागले साहब, M&M के चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? मुझे मालूम है वैसे आपको एस्कॉर्ट्स ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन इसने भी प्रदर्शन तो अच्छा ही दिखाया नतीजों में. हेमंत, एस्कॉर्ट्स ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन M&M खराब नहीं लगता. एक लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है काफ़ी टाइम से और वो लेवल है लगभग 725-730 और इसके ऊपर ये जब तक बना रहेगा मुझे स्ट्रेंथ दिखती है. 800-810 का इसका ट्रेडिंग टारगेट होगा अगले कुछ दिनों का और जैसे ही वो मार्केट थोड़ा सा स्टेबिलाइज होता है या बॉटम फॉर्मेशन के कुछ लक्षण दिखेंगे मैं समझता हूँ 850-860 तक ये स्टॉक जा सकता है. अगर आपने अविनाश मेरिको के रिजल्ट देखे हों, ये स्टॉक करीबन 4% ऊपर खुलने की तैयारी में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मुनाफा जो 223 करोड़ का आया, हमारा अनुमान 204-205 करोड़ के आसपास का था, उससे काफ़ी बेहतर रहा है. कोई व्यू है आपका? मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली नतीजे तो काफ़ी अच्छे थे. होपफुली अगर रॉ मटेरियल प्राइस फ्रंट पे इनको थोड़ा बहुत लिवरेज मिलता है तो हमको लग रहा है कि ये मार्जिन्स आने वाले फोर्थ क्वार्टर में भी ये मेंटेन कर सकता है और होपफुली वॉल्यूम ग्रोथ भी अगर ठीक ठाक रहती है प्रदीप तो आई थिंक इवन फ्रॉम द करंट लेवल्स एक अच्छा अपसाइड मिल सकता है. आई थिंक विद इन द FMCG स्पेस ये काफ़ी स्टेबल प्लेयर है और हमको लग रहा है कि होपफुली अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट पे और वॉल्यूम ग्रोथ पे अगर थोड़ा और पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो डेफिनेटली इसमें एक खरीदने का मौका बन सकता है. बिल्कुल लाभ. तो वॉल्यूम ग्रोथ देख लीजिए 9.4% रहे, एक्सपेक्टेशंस थी कि 8-10% के रह सकते हैं. आज ये नीरज ने अपनी टीम में पिंच हिटर स्टॉक पीस को सुझाया था. बाटा ये वो ऐसा स्टॉक है जिस पर नज़र होनी चाहिए. इसके भी देखिए अच्छे नंबर्स आए हैं, मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन देखने को मिला है. आदित्य जी, बाटा पर कोई व्यू? अब तक पोजिशन किस तरह की बनी है, कैसा लगता है आपको?
वेल बाटा डेफिनेटली इन लेवल से देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर लगता है हमको। हमने लास्ट वीक में देखें तो लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक आते हुए देखा था, यहाँ से अभी भी इसमें अपसाइड में काफ़ी जगह है। ऊपर में हमको लगता है कि 755 760 तक के लेवल से शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। करंट लेवल्स पे इसको बाय करके चल सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 702। ऊपर में 755 760 के हमारे इमीडिएट टारगेट हमको लगता है कि देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक और स्टॉक इसके पहले कि हम स्टॉक 2020 की बात करें, वो है नालको। और वागले साहब, शुक्रवार को जब बात हो रही थी तो आपने कहा था कि मेटल में ये आपको सबसे मजबूत दिखता है, देखिए आज भी करीबन 4-5% ऊपर खुलने की तैयारी है, क्या कॉल दे रहे हैं आप? प्रदीप, मूव तो आई थी, मुझे लगता है ये मूव कंटिन्यू होगी, 84-85 तक के मेरे टारगेट्स होंगे, तो बिल्कुल मजबूती है। लेकिन ये कह दूं कि टाटा स्टील से स्ट्रांग नहीं लगता है मुझे, टाटा स्टील विल बी नंबर वन और फॉलोड बाय नालको। को में अब स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ होगा? 71-72 के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, और जैसे ही ये 75 के ऊपर ट्रेड होने लगता है मुझे ज़्यादा कंफर्ट आएगा। ओके, तो नालको के ऊपर रखिएगा नज़र, और कौन से स्टॉक्स पर आपकी नज़र होनी चाहिए? स्टॉक 2020 में नीरज और मैंने आपको आज 10-10 स्टॉक्स सुझाए थे, आइए देख लेते हैं एक क्विक रिकैप। मेरी पूरी टीम पर नज़र डालिए, पिछले 7 दिनों में 8% की कमजोरी जो कच्चे तेल में देखने को मिली है और रबड़ की कीमतों में देखने को मिल रही है, उसका फ़ायदा जेके टायर और गुड़ियर को मिलेगा। जेके टायर और गुड़ियर के नतीजे अभी आना बाकी हैं, ये नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। TRIL और वोल्टैम्प के नंबर्स भी अभी आना बाकी हैं, तो फिर इन कंपनियों के ऊपर नंबर्स के लिहाज से भी नज़र रखिएगा। साथ ही मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, BPL में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। ITI, MTNL ये वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर नज़र होनी चाहिए, नतीजों से पहले यहाँ भी अच्छी देखने की उम्मीद जताई जा रही है। और नेलकास जैसे स्टॉक्स पर भी रखिए नज़र, यहाँ पर भी जिस तरह से ट्रैक्टर की जो नंबर्स आ रहे हैं वो ज़बरदस्त आ रहे हैं, ऑटो एंसरी स्टॉक्स नेलकास जैसे जो इस सेगमेंट को कैटर करते हैं वहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है। प्रिज्म सीमेंट से भी अच्छे नतीजों की अपेक्षा अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में की जा रही है, तो फिर इस तरह की कंपनियाँ जिनके नतीजे अभी तक आए नहीं हैं और अच्छे आने की उम्मीद जताई जा रही है उनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, और उसी को मद्देनज़र ये पूरी की पूरी टीम आज उतारी। नतीजों पर ही फोकस मेरी टीम में भी आपको देखने को मिलेगा। ऑयल इंडिया नतीजे बेहतर हैं और एक बोनस शेयर का भी ऐलान किया गया, 2 के बदले 1 बोनस मिलेगा, तो वो एक अच्छी खबर है, तो इसलिए यहाँ पे खरीदारी बनती। लेकिन BPCL के नतीजे कमज़ोर हैं, एक्सपेक्टेड था कि इन्वेंट्री गेन की वजह से ही शायद GRM थोड़ा बेहतर दिखा है, लेकिन वो भी कमज़ोर देखने को मिला है और जितना अनुमान था बाजार का उससे कम नंबर्स इन्होंने प्रेजेंट किए हर फ्रंट पे, तो यहाँ पे थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है। बावजूद इसकी क्रूड थोड़ा सा सॉफ्ट है, यहाँ पे बेच के चलना चाहिए। SBI एक बहुत ही निराशाजनक नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं, डाइवर्जेंस का इम्पैक्ट है, एसेट क्वालिटी और ज़्यादा ख़राब हुई है, मार्क टू मार्केट के लिए 3,500 करोड़ इन्होंने प्रोविज़न कर रखा है दिखा रहे हैं उसमें, और ये पिछले 4 साल से सुन रहे हैं हम 2014 से कि बस ये आखिरी क्वार्टर है, वर्स्ट इज़ ओवर, अब पता नहीं कितने और क्वार्टर बाद वर्स्ट ओवर होगा, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती है लेकिन कोई रेस्पाइट नहीं दिखने मिल रही है। तो SBI और उसी कैटेगरी बड़ौदा भी आता है, इसके भी नतीजे काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले, तो ये दोनों ही शेयर यहाँ पे बेचने वाले होने चाहिए। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन लेकिन खरीदारी करके चलिए, एक ऑर्डर भी इनको 80 करोड़ का मिला है और इसका डाइवेस्टमेंट का प्रोसेस भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो वो एक अच्छी खबर है। कैडिला के लिए एक बेहतर खबर ये है कि इनकी मौरैया प्लांट का फरवरी की शुरुआत में ही इंस्पेक्शन हुआ था और उसको क्लीन चिट मिली, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो ये एक राहत की खबर है, तो जो डर बना हुआ था वो खत्म हो गया। आरकॉम ने डिफ़ॉल्ट किया है, 375 करोड़ इनको देने थे NCD के, वो नहीं दे पाए, और ये कह रहे हैं कि हम एसेट जो हमारे उसको मोनेटाइज करने की बड़ी तेज़ी से कोशिश कर रहे हैं, जब वो होगा तो देंगे, तो इस वजह से यहाँ पे एक दबाव देखने को मिलेगा। सन TV के नतीजे बहुत बेहतर हैं, जो आमदनी आती है एडवर्टीजमेंट से उसकी ग्रोथ 22% दिखाई इन्होंने, जबकि हमें अनुमान था कि 15-16% के आसपास आनी चाहिए, तो वो बहुत बढ़िया नतीजे हैं, तो यहाँ पर तेज़ी बनेगी। टूरिज्म फाइनेंस नतीजे बहुत अच्छे हैं और ये भी एक तरीके से अब पूरे डाइवेस्टमेंट हो ही चुकी है, IFCI ने बहुत शेयर बेचे हैं इसमें और कई सारे बड़े PE ने इसमें खरीदारी करी है, तो टूरिज्म में तेज़ी बनेगी। और मैरिको एक और FMCG कंपनी, बहुत बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए, तो यहाँ पर तेज़ी बन सकती है। तो ये है वो सारे स्टॉक जहां पर आज आपको नजर रखनी है, लेकिन अब तक प्री ओपन सेशन जो सेटल हो चुका है उस पर एक बार जरूर नजर डालिए, क्योंकि 10,500 के ऊपर निफ्टी खुलने की तैयारी में है और बैंक निफ्टी 25,500 के ऊपर खुलने की तैयारी में है, और ये संकेत काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं।
SBI जरूर कमजोर हुआ है लेकिन कोई और मेजर बैंकिंग स्टॉक इसको सपोर्ट देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये जो दो लेवल हम बात कर रहे हैं 10,500 निफ्टी में और 25,500 के करीब निफ्टी बैंक में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इनके ऊपर शुरुआत होती है जैसे कि संकेत हैं प्री ओपन के, तो यहाँ से आपको थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग और तेजी जरूर देखने को मिल सकती है। निफ्टी में 10,700 तक भी पोजिशनल बेसिस पे जाने की जगह नजर आती है, तो यहाँ पर एक मजबूत शुरुआत फिलहाल देखने को मिलेगी और उसके बाद इसके ऊपर बिल्डअप होता हुआ नजर आए ऐसी उम्मीद जरूर करनी चाहिए। हालांकि अगर आप देखें तो पिछले कुछ सेशंस काफ़ी वोलेटाइल रहे हेमंत, लेकिन जैसे कि अमेरिकी बाजारों के संकेत आपको मिले हैं उसको देखते हुए सिंगापुर निफ्टी शायद बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा रहा था, पर हमारे मार्केट में जो प्राइस डिस्कवरी हुई है वो शुरुआती लेवल काफ़ी ज़्यादा बेहतर नजर आते हैं और एक बुलिश सिग्नल आज के ट्रेड के लिए आ चुका है। तो जो एक्सचेंजेस ने BSE NSE ने मिलकर जो झटका दिया है सिंगापुर वालों को उससे देखिए वो भर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो सही से आज कामकाज वहाँ नहीं हो पा रहा है। तो 30 पॉइंट ऊपर ही दिखा रहे थे लेकिन हो रहा है 60 पॉइंट ऊपर, तो झटके में है थोड़े से। अच्छा, उन लोगों की चिंता भी है ना प्रतीप, आज तो उनको ये भी चिंता है हमारी पोजीशन अब कैसे अनवाइंड होने वाली है, आगे चलकर एक्सचेंजेस क्या करेंगे, तो वो दिक्कत आज SGX निफ्टी से कुछ खास संकेत मिलने वाले थे भी नहीं। और वही देखिए, हम कह रहे थे लगातार वागले साहब कई दिनों से कि हम लोग अपने बाजारों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं और देखिए वैसे ही ओपनिंग होती हुई नजर भी आ रही है। तो 10,500 के ऊपर एक बार भी SGX निफ्टी नहीं दिखा रहा था कि जाएगा और हम बार बार कह रहे थे कि 10,500 के ऊपर जा रहा है, खुल रहा है, खुलने के संकेत दे रहा है और वैसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन एक नंबर प्रदीप जहाँ पर हमेशा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा वो है सुजलॉन, और देखिए आज भी 1% नीचे है। अच्छा, फोर्टिस एक और स्टॉक है जिस पर आज नजर रहेगी, ये शुक्रवार को तो FNO के बैन में था तो कोई शॉर्ट पोजीशंस बन नहीं पा रही थी, कैश मार्केट में 13-14% की उछाल देखने को मिली और हम कह रहे थे कि सेबी को जांच करनी चाहिए कि इनके दूसरी तिमाही के नतीजे अब तक आए नहीं हैं, अब दूसरी और तीसरी तिमाही जी हाँ अब उनके नतीजे आएंगे, लेट्स सी क्या निकल कर आता है नतीजों में। लेकिन फोर्टिस एक और ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आज खुलने के साथ साथ नजर रहने वाली है, पहले सुजलॉन फिर फोर्टिस। बताइए सर, सुजलॉन पर क्या व्यू आपका? नहीं, मुझे लग रहा है कि सुजलॉन ने बहुत ही ख़राब नंबर्स दिखाए बहुत रेवेन्यू इबिटा एज वेल एज नेट प्रॉफिट फ्रंट पे। इनफैक्ट टॉप लाइन करीबन 34% गिरा है, इबिटा 70% गिरा है और नेट प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर में तीसरी तिमाही में 280 करोड़ था, इस बार नेट लॉस 28 करोड़ का है। तो हमको लग रहा है कि ऑन ऑल द फ्रंट्स हेमंत बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है, हो सकता है कि चौथा क्वार्टर भी ऐसे ही ख़राब आए और इस प्रकार का जो ट्रेंड था हमने सेकंड क्वार्टर से ही देखा था, तो शायद ये स्टॉक अभी यू नो 10 रुपये के नीचे भी जाने की दमकम रखता है। तो मुझे लग रहा है इसको जितना जिनके पास है उनको कम्प्लीटली अवॉइड करके निकल जाना चाहिए। फोर्टिस में क्या करें, शुक्रवार को तेजी देखने को मिली, 17% कैश मार्केट में देखिए स्टॉक उछला। सोसाइटी जनरल ने दरअसल 38 लाख शेयर खरीदे, इस खबर का असर देखने को मिला और साथ में ओवर द वीकेंड खबर आई अजय त्यागी साहब जो चेयरमैन है सेबी के, वो कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई है कि डेलॉयट ने साइन नहीं करी है इनकी बैलेंस शीट इसलिए नतीजे पेश नहीं कर पाए। अब इनके नंबर्स अभी भी आना बाकी हैं, लेट्स सी इस बार आते हैं कल के दिन या नहीं आते हैं, तो कल का दिन इनके नंबर्स आने बाकी हैं, आज कैसे अप्रोच करेंगे आप फोर्टिस को? नहीं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक न्यूज़ फ्लो जो आया कि दोनों प्रमोटर्स ने अपने इस्तीफा दिया है इन इस कंपनी के बोर्ड से, वो बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो था। बिजनेस डेफिनेटली हेमंत काफ़ी स्ट्रांग है लेकिन बिजनेस के बाहर जो भी दिक्कतें हैं वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अभी भी थोड़े से यू नो टाइम लगेगा और मुझे लग रहा है हो सकता है कि शायद कोई यू नो ये नंबर्स पे रीवर्किंग होगी, थोड़ा सा यू नो एक्चुअल पिक्चर देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म पेन ज़रूर होगा बट लॉन्गर टर्म में हमको लग रहा है कि इस बिजनेस में जो वैल्यू ट्रिगर्स है वो SRL डायग्नोस्टिक को है लेके है, इनका हॉस्पिटल बिजनेस भी काफ़ी अच्छा पोजिशनड है, तो लॉन्गर टर्म के लिए तो डेफिनेटली स्टॉक चलेगा बट शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा सा दबाव स्टॉक में देखने को मिले। ओके, तो ये व्यू फिलहाल यहाँ पर कुछ दबाव आपको देखने को मिल सकता है। आदित्य, आज अगर आप बाजार की शुरुआत देखें तो टाटा स्टील तो बिल्कुल लीड कर ही रहा है, इस पर हमने बात की है, लेकिन ऑयल स्टॉक्स आप देखिए ONGC, IOC, गेल जिसके नतीजे आने वाले हैं और साथ ही BPCL, ये सभी काफी मजबूत है, इनमें से आपको कहां पर एक ट्रेड का मौका दिखता है? मुझे यहाँ से लगता है कि OMCs में एक छोटा सा हमको पुलबैक देखने को मिल सकता है। OMCs में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में हैं बट लोअर लेवल्स पे BPCL में देखें तो 450-455 के आसपास स्टॉक में अच्छा सपोर्ट आ रहा है, तो इसके अंदर अगर जो स्टॉक गैप से खुलता है या फ्लैट खुलता है तो इसको बाय करके चल सकते हैं। तो मैं वापस ये 485-490 तक के लेवल्स हमको लगता है कि BPCL शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है, तो BPCL के अंदर लॉन्ग पोजिशन आकर चल सकते हैं। अगर हम ONGCL एंड ऑयल इंडिया की बात करें तो ये स्टॉक्स अभी भी थोड़े प्रेशर में लगते हैं, अगर इसके अंदर अभी मैं करंट लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी अवॉइड करूंगा।
इनफैक्ट अगर ONGC थोड़ा ऊपर खुलता है 188, 185, 189 के आसपास आता है तो एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पे ONGC को शॉर्ट किया जा सकता है विद अ टारगेट ऑफ 180। तो ONGC एंड ऑयल इंडिया मैं भी थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन के लिए अवॉइड करूंगा, बट OMCs में हमको लगता है कि यहाँ से पुल बैक देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में। ऑलराइट, तो नजर रखिएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर। कच्चे तेल में जो गिरावट देखने को मिली है ये आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मदद कर सकती है। पेंट, टायर, एविएशन, ये सेक्टर फिर से फोकस में रह सकता है। और देखिए 200 पॉइंट के आसपास की